दोस्तों यदि आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी भारत और पाकिस्तान के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है और इनके समर्थकों के लिए एक ऐसी दिल खुश कर देने वाली खबर निकल कर आ रही है जिसने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। जी हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2022 के दिसंबर महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय श्रृंखला हो सकती है। तो आखिर कब और कैसे होने वाली है ये श्रृंखला और कितने मैच खेले जाएंगे और इन दोनों के बीच, इसे जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है भारतीय टीम के लिए सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच के खराब रिश्तों से सारी दुनिया वाकिफ है और इसका असर क्रिकेट में भी देखने को मिला है। हालांकि क्रिकेट को दो देशों के बीच में प्यार बढ़ाने वाला गेम कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये खेल दो देशों को आपस में करीब लाने का काम करता है। लेकिन जब बात दुनिया के दो सबसे बड़े जानी दुश्मन यानी कि भारत और पाकिस्तान की हो तो यहाँ क्रिकेट जैसा जेंटलमैन गेम भी राइवलरी का ऐसा अखाड़ा बन जाता है जिसमें सारी दुनिया की नजरें ही इन दोनों देशों पर टिकी होती हैं। अब क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट तो क्या किसी भी फील्ड पर एक दूसरे से हार कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच की आखिरी द्विपक्षीय श्रृंखला 2007 में खेली गई थी, जबकि वनडे मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखला 2013 में आखिरी बार इन दोनों के बीच में खेली गई थी। इसके बाद दोनों ही देशों के बीच में कश्मीर के मुद्दे को लेकर विवाद काफी बढ़ गया और बॉर्डर पर होने वाले हमलों का असर क्रिकेट के भी मैदान में दिखाई देने लगा और जिस कारण से बीसीसीआई ने पाकिस्तान से खेलने वाली हर श्रृंखला को कैंसिल कर दिया और बीसीसीआई अध्यक्ष ने अपना एक बयान भी जारी किया और कहा कि जब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बॉर्डर पर सही नहीं हो जाते तब तक भारतीय टीम पाकिस्तान से कोई भी द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलने वाली है। हालांकि विश्व कप में यदि कभी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो उन मैचों को हम कैंसिल नहीं कर सकते, पर हम पाकिस्तान से आगामी समय में कोई भी श्रृंखला नहीं खेलने वाले हैं और इसी के साथ कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत में क्रिकेट खेलने नहीं आ सकता। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि वो भी भारत से कोई भी श्रृंखला खेलने के लिए राजी नहीं है। ये फैसला होने के बाद भारत और पाकिस्तान आज तक किसी भी द्विपक्षीय श्रृंखला में सामने नहीं आए हैं और केवल विश्व कप में ही भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दो T20 मुकाबले देखने को मिले और जिस पर सारी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। हालांकि अब सूत्रों से ये खबर निकल कर आ रही है कि दिसंबर के अंत तक भारत और पाकिस्तान एक द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आमने सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ समय में काफी सुधार हुए हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच की राइवलरी दुनिया के सबसे बड़ी देखी जाने वाली श्रृंखला है। इस कारण बीसीसीआई और पीसीबी आपस में चर्चा कर रहे हैं और यदि हमारे बीच बातचीत होती है, समस्याओं का हल निकल जाता है तो भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से द्विपक्षीय श्रृंखला में आमने सामने हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से द्विपक्षीय श्रृंखलाओं की शुरुआत की जानी चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।